हेलो फ्रेंड्स, सीख कर सिखाते रहो चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगने पर प्लीज़ लाइक करें। आज हम हिंदी की बुक अंतरा का चैप्टर 7 तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर के नाम है भरत राम का प्रेम। उसके पद पढ़ेंगे। पद दो दे रखे हैं, एक एक करके दोनों को ही हम समझाएंगे, उसकी व्याख्या कराएंगे। क्योंकि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आपको कभी पद दे दिया जाएगा, कभी पंक्तियाँ दे दी जाएंगी, उसकी सप्रसंग व्याख्या करनी होती है। पहले मैं आपको बता दूं कि सप्रसंग व्याख्या में क्या क्या ज़रूरी होता है। सबसे पहले संकेत। संकेत आप फर्स्ट लाइन लिखिएगा, फर्स्ट लाइन के आप डॉट डॉट करके सबसे लास्ट लाइन के कुछ वर्ड लिख दीजिएगा, ठीक है। इसे कहते हैं संकेत। उसके बाद प्रसंग आता है। प्रसंग में आपको बताने हैं कि आप ये जो पंक्तियाँ हैं ये कहाँ से ली गई हैं, इसके रचयिता कौन है, और थोड़ा सी दो लाइन में तो इसका भाव बता देना है कि इसमें ये बताया गया है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद व्याख्या आती है। व्याख्या में आपको एक एक लाइन को एक्सप्लेन करना होता है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। क्योंकि ये जो ये कवि द्वारा रचित लाइन है और पंक्तियाँ हैं, इसकी भाषा बहुत ही अलग है, तो आपको आम भाषा में इसे एक्सप्लेन करना पड़ता है। उसके सबसे लास्ट में आता है विशेष। विशेष में बताते हैं कि इसमें अलंकार कौन सा है, इसमें भाषा कौन सी है, इसकी रचयिता कौन है, और मतलब इसकी जो बिंब प्रसार है, बिंब प्रसार शक्ति कौन सी है, और लक्षण शक्ति कौन सी है, और ये सब बताते हैं इसमें, ठीक है। सो मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट है पद में दे रखा है। इसमें आपको मैं बता दूं कि इसमें जो माता कौशल्या है, जो राम जी की जो माता है कौशल्या, वो राम जी का वनवास हो चुका है, और उसके वियोग में, राम के श्री राम रघुनाथ के वियोग में विरह वेदना कर रही हैं, तड़प रही हैं। तो अपने ख्याल कर रही हैं कि काश राम यहाँ पे होते, तो ये मतलब पास्ट टाइम में जा रही हैं और उनकी सारी मनोवृत्तियों को समझ रही हैं और उसे याद कर रही हैं, श्री राम को याद कर रही हैं। सो पहला है जननी निरखति बाण धनुनिया। ये धनुहीनिया मतलब धनुष को बोला गया है, मतलब जो उसकी माता है, माता कौशल्या राम जी की धनुष, राम जी के धनुष को निहारती हैं अपने आँखों से। बार बार उन नैने निलावती प्रभुजू की ललित पहनिया। पहनिया मतलब जूतियाँ। ललित श्री राम को कहा गया है कि श्री जो माता है उनकी माता, बार बार अपनी आंखों से प्रभु श्री राम की जूतियाँ, उनको जूतों को देख रही हैं, कह रही हैं कभू प्रथम ज्यो जाई जगावती कहे प्रिय वचन सवारे। श्री राम जी के कक्ष में जाकर उन्हें कह रही हैं क्या, अरे लल्ला, अरे बेटा उठ जाओ, सवेरे सवेरा हो चुका है, तुम जागो। उठ तो तात बली मातु बंधन पर अनुज सखा सब द्वारे। अरे उठो भाई, तुम्हारे साई सारे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बंधु, तुम्हारे मित्र सब द्वार पर खड़े हैं। सखा मित्र को कहा गया है कभू कहती जो बड़ी बार भई जाहू भूप पह भैया। कभी कभी कहती हैं कि अरे राम उठ जाओ, जो तुम्हें दशरथ राजा दशरथ ने बुलाया है सभा में, उठो जल्दी, तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। बंधु बोली जे नहीं जो भावे गई निछावरी मैया। अरे मैया कहती है अरे राम, तुम पे तो मेरा सब कुछ निछावर है, तुम इतने प्यारे हो, तुम पे तो मेरा सब कुछ निछावर मैं कर देती हूँ। कभू समझी वन गमन राम को रही चक्की चित्र लिखी सी। इसमें कहा गया है कि कभी चकित हो जाती हैं किसकी बात को, कि हाँ राम यहाँ पे नहीं है, राम का तो वन गमन हो गया है, वो तो वनवास चले गए हैं 14 वर्षों के लिए, तो शॉक्ड हो जाती हैं। हाँ उसके बाद है तुलसीदास वही समय कहे ते लगाती प्रति सिखी मिसी सी। लगाती प्रति सिखी सी। तुलसीदास कहते हैं कि हे राम, तुम्हारे वियोग में, तुम्हें विरह वेदना में, तुम्हारे विरह में तुम्हारी माता कौशल्या ऐसे तड़प रही हैं जैसे एक मोरनी खूब खुश, मतलब खुश होती है खूब,
क्योंकि वो नाचती है बड़े अपने पंखों से, लेकिन वो अपने जब पैरों को देखती है, जब उसको एहसास होता है कि उसके पैर इतने बद्धे हैं कि उन अपने पैरों को देख के वो रोती है। ऐसे ही तुम्हारी माता तुम्हारी यादों में तो खुश है, लेकिन जब वो सच्चाई को परखती है तो वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। और यही उनकी विरह वेदना है, वो एकदम मोरनी के प्रति लग रही हैं, मोरनी के समान लग रही हैं। थैंक यू।